और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एक साथ कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई है, जिससे कि बड़ी तबाही हुई है। कल अमरनाथ गुफा के पास बादल फटे, इससे बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस के कैंप को नुकसान पहुंचा है। एक घटना किश्तवाड़ में हुई है, वहां एक गांव में अचानक बादल फट जाने से बड़े पैमाने पर तबाही मची है। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इन घटनाओं के बीच चिनाब नदी जबरदस्त उफान पर है, वहां अब एसडीआरएफ टीम की तैनाती करनी पड़ी है। और हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ अखनूर से। सुनील, जहां पर आप हैं वहां की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, उफान पर नदी नाले हैं, ऊपर से सबसे ज्यादा जो परेशानी का सबब बना हुआ है वो है क्लाउड बर्स्ट। बिल्कुल श्वेता, जम्मू कश्मीर में जो है मॉनसून का कहर लगातार जारी है। किश्तवाड़ ज़िले में जो है भारी तबाही हुई है दक्षिण इलाके में, और वहाँ जो ये इलाका है दक्षिण इलाका, बिल्कुल वो सड़क मार्ग से टूट चुका है, वहाँ पर संपर्क स्थापित करना काफ़ी कठिन है, इसलिए बचाव कार्य में भी काफ़ी समस्याएं उठानी पड़ रही है। लेकिन फिर भी जो वहाँ स्थानीय जो सेना की टीमें हैं, पुलिस की टीम्स हैं, वो मौके पर पहुँची और 7 वहाँ पर शवों को निकाला गया। अभी भी 19 लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं और प्रयास जारी है उनको बचाने के लिए। फिलहाल मैं आपको यहाँ अखनूर की तस्वीरें दिखाता हूँ। इस समय मैं मौजूद हूँ चिनाब नदी के तट पर, और यहाँ पर आप देखिए कि नदी बिल्कुल उफान पर है, जल स्तर काफी बढ़ चुका है और पानी जो है बिल्कुल घाट तक पहुंच चुका है, और ये चिंता का विषय है यहाँ स्थानीय प्रशासन के लिए। इसलिए यहाँ पर फ्लड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो घाट के पास ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है बिल्कुल जो डेंजर मार्क है उस तक पहुंच चुका है और काफी यहाँ पर खतरे की घंटी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रशासन जो है पूरी तरह मुस्तैद है, और प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन चिनाब नदी जो है इस समय उफान पर है, पानी काफी ज्यादा बह रहा है और मॉनसून का कहर जो है जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है। श्वेता, बिल्कुल जिस तरह से तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, सुनील अगर आप हमें वो पूरा इलाका दिखाएं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये जो इलाका है, जो निचले इलाके में जाहिर से बात है लोग होंगे उनको वहां से हटा लिया गया होगा, तो वाकई मुसीबत का सबब है, लोगों को सतर्क रहने की यहां पर जरूरत है।